वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फोटोशॉप CC21 में आपका सेटिंग्स किस तरह से करना पड़ता है, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आता है फोटोशॉप CC 2021 में सेटिंग्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज आज हम लोग इसमें देखेंगे और कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो चलिए फोटोशॉप CC21 हम लोग ओपन कर लेते हैं। जब फोटोशॉप CC21 फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे देखिए फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज हेल्प, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। और ये यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आइकन दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला जो ES का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह से फोटोशॉप का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, तो आप इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, इस तरह से आप सेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ओके, उससे बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे एडिट का जो बटन दिखाई दे रहा है ऊपर में, यहाँ पे एडिट में आपको जाना है और एकदम नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे एकदम लास्ट में देखिए एरो, छोटा सा एक एरो दिखाई देगा, उसको आपको क्लिक करना है। जब तक आपका प्रेफरेंस बोल के एक ऑप्शन दिखाई ना दे उसको क्लिक करते रहना है। प्रेफरेंस में आपको जाना है, जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए जनरल बोल के लिखा है, तो कंट्रोल के दबाने के साथ साथ भी आपका जनरल का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। ओके, तो हम लोग जनरल को दबा लेते हैं, दबाने के बाद एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका विंडोज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस बोल के लिखा है, इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसके अंदर ही आपको सेटअप करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जनरल में रहना है और यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली यहाँ पे देखिए ऑटो शो द होम स्क्रीन, जो फर्स्ट टाइम आप फोटोशॉप ओपन करने के टाइम जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा था, जैसे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इस तरह से ये आपका होम स्क्रीन होता है, इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपका फोटोशॉप खोलने के टाइम ऑटोमेटिक आपका इसी तरह से दिखाई दे, इसी तरह से खोले, ये होम स्क्रीन आपका बार बार ना आए, तो उसके लिए आपको एडिट में जाके आपको प्रेफरेंस में जाके आपको जनरल में जाना है। ठीक है, जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑटो शो द होम स्क्रीन इसको आपको अनचेक कर लेना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इंटरफेस में आना है, इंटरफेस में क्या होता है, यहाँ पे इसका जो कलर दिखाई दे रहा है, जो आपका एस कलर का जो कलर दिखाई दे रहा है, कलर थीम आपका इसका चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लैक कर देंगे तो ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा, या फिर ग्रे कर देंगे तो ये पूरी तरह से ग्रे दिखाई देगा, अगर व्हाइट कर देंगे तो ये पूरी तरह से आपका व्हाइट दिखाई देगा, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे वर्क स्पेस में जाना है, यहाँ पे देखिए और भी ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑटो शो, हिडन पैनल, ओपन डॉक्यूमेंट एस टैब, तो वर्क स्पेस में आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है आपको देख सकते हैं, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है आप कर सकते हैं, पढ़ के आपको इसको चेंजेस कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका टूल्स है, टूल्स के अंदर आके आप यहाँ पे जो टूल्स है, टूल बार जो है, इसके आपका जो इनेबल फ्लिकिंग, पैनिंग, ये सब कुछ आप बंद कर सकते हैं, इसको एनिमेटेड जूम इसको बंद कर सकते हैं, तो आपका फोटोशॉप थोड़ा सा इजीली चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरा तो कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक ही है इसलिए मेरा ठीक ठाक चलता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आपको एनिमेटेड ये वाला इसको अनचेक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कर लेना, और हिस्ट्री लॉग बोल के जो लिखा है इसको आपको कुछ नहीं करना है, फाइल हैंडलिंग यहाँ पे आपको और भी कुछ नहीं करना है, और एक्सपोर्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है, प्रेफरेंस में आपको मेन चीज जो है ये प्रेफरेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपका 60% फर्स्ट टाइम आपको दिखाई देता है, तो आपको इसको करना है 75% या फिर 80%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 75% रख रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए यूज ग्राफिक्स प्रोसेसर, ये जो मेन चीज है इसके वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम आता है। ओके, तो लैपटॉप जो लोग यूज करता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है इसके वजह से, तो उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता है, और जो भी होता है छोटा सा एक ग्राफिक्स कार्ड चिप लगा रहता है, इसके वजह से प्रॉब्लम आता है, तो इसको आपको हटा देना है इस तरह से। ठीक है, अब हटा दिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जो भी चीज है आपका एकदम बाय डिफॉल्ट सही है, और कुछ नहीं करना है, खाली जनरल में आपको चेंज करना है और यहाँ पे प्रेफरेंस में चेंज करना है, और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है, अब आप फोटोशॉप आपका रेडी हो गया, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा स्पीड में ये काम करने लगेगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो न्यू डॉक्यूमेंट आपका इस तरह से टैब आ रहा है।
तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है जो ओल्ड वर्जन फोटोशॉप यूज करता है, तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी होता है, ये वो समझ नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या चीज है, न्यू डॉक्यूमेंट का चीज कैसे इसको ठीक करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे एडिट में जाएंगे, फिर से आप प्रेफरेंस में जाएंगे और जनरल में जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ये चीज सबको ठीक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए यूज जनरल के अंदर देखिए यूज लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद इसको ओके कीजिए। अब देखिए इसका मैजिक, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट फिर से लेता हूँ, तो अभी देखिए डॉक्यूमेंट आपका पुराना जो फोटोशॉप के अंदर आता था वही सेम तरीके से आपका आ रहा है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आने वाला है, इसमें से आप ऑटोमेटिकली जैसे काम करते थे वैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे इंचेस पिक्सल वगैरह सब कुछ दिया गया है, एकदम छोटा सा पैनल है, एकदम बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 8x12 यहाँ पे पेज ले लिया, तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जल्दी से आ जाता है। अब पैनल जब ओपन होता था बड़ा वाला तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता था। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे लेयर पैनल ओपन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया और यहाँ से मैं एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मूव टूल लेना है, तो आप मूव टूल से हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिफ्ट दबा के आप करते थे जो प्रोफेशनली आपका छोटा बड़ा होता था, वो आपको अभी आप बिना शिफ्ट दबाए खाली कोई भी एक एंगल से आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये प्रोफेशनली छोटा बड़ा हो जाता है। अगर शिफ्ट दबा के करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी शिफ्ट दबाया, अभी इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये इसका शेप खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे आप शिफ्ट, ये फ्री हो जाता है। ठीक है, अगर इस शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये इस तरह से आपका होगा। ठीक है, ये बिना शिफ्ट दबाए खाली ओनली आपको एक एंगल से आपको पकड़ना है और इस तरह से आपको ड्रैग करना है, इस तरह से होता है। अगर दोनों तरफ से आपको छोटा बड़ा करना है तो पहले हम लोग क्या करते थे, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के करते थे। अभी इसमें फोटोशॉप सीसी 2020 और 21 में मेन जो फीचर्स है, ये आपको शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, खाली ओनली ऑल्ट दबा के। जैसे मान लीजिए मैंने ऑल्ट को दबाया, अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो दोनों साइड से देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये ऑल्ट दबाने के बाद इसको करेंगे तो इस तरह से आपका छोटा बड़ा होगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। और डायगोनली तो आपको पता ही है किस तरह से करना है, इस तरह से करना होगा। ये आपका शॉर्टकट की का मेन फीचर है। जैसे ये सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, आप कंट्रोल जेड का जो, जैसे हम लोग अंडू करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जेड दबा, जेड दबाने के बाद आपका अंडू होता था। अभी आपका कंट्रोल ओनली कंट्रोल जेड दबाएंगे, देखिए ये अंडू हो गया। अभी इसको रिटर्न कैसे लाना है, शिफ्ट जेड दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट जेड को प्रेस करेंगे तो ये रिटर्न आ जाएगा। पहले कंट्रोल जेड दबाने के बाद ये आता था, ऑल कंट्रोल जेड दबाने के बाद आपका इस चीज होता था, तो अभी आपको शिफ्ट कंट्रोल जेड दबाने के बाद ये रिटर्न आता है। ठीक है, ये अंडू करने के लिए आपका कंट्रोल जेड और फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट की, ये मेन चीज जो शॉर्टकट की में प्रॉब्लम आ रहा था इसको मैंने आपको ठीक कर दिया, इस तरह से आपको करना है। ओके, और मैं एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला क्रॉप टूल। ठीक है, तो क्रॉप टूल में मेन देखिए यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो इसको कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो गियर का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कर लेना है यूज क्लासिक मोड। ठीक है, तो यूज क्लासिक मोड हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपका आएगा, जैसे आपका नॉर्मल फोटोशॉप में आता है उसी तरह से आपका आ रहा है। ठीक है, अब ये आपका फ्री हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लगाया नहीं इसलिए ये फ्री दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कोई नंबर मैंने लगा दिया, जैसे 4x6 में मुझे काटना है, तो इस तरह से आप काट सकते हैं इस तरह से। अब इसको छोटा बड़ा करेंगे तो इस तरह से देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले आप इसमें जाएंगे, यूज ग्राफिक्स मोड ऑन कर लेंगे और इसका आप देखिए यहाँ पे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप छोटा बड़ा करिए जो चाहे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके, इस तरह से आपको करना है। तो इतना तक आपको क्लियर हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और दूसरों के साथ शेयर करना एकदम मत भूलिए। इसी तरह से और भी ट्रिक्स और टिप्स मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आ सकता हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और भी कुछ प्रॉब्लम आपका अगर फोटोशॉप सीसी 2020 या फिर 21 में आ रहा है तो कॉमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका प्रॉब्लम आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग ख्याल रखिए। जय हिंद।